नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं चने के दाल का फुरा बनाने। ये चने का दाल है, ये करीब 400 ग्राम है। इसको हमने 4 घंटा पहले भिगा दिया था, अब हम इसको पीसने जा रहे हैं। अब मिक्सी में अदरक, लहसुन, मर्चा, हींग, जीरा और चना का दाल डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही पीसेंगे। देखिए, ये ऐसा पेस्ट तैयार हुआ है। और पीसते समय जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी आप मिला सकती हैं। हम दाल को पीस के तैयार कर दिए हैं। अब इसमें हम गरम मसाला और नमक मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमने गूंथ लिया है और ये एकदम रोटी वाला आटा है। जैसे रोटी की आटा सानते हैं, उसी तरह हमने आटे को सान के रख लिया है। पानी ये हमने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जब ये खोलने लगेगा तो इस पे फारा बना के हम डालेंगे। आटे की लोई बना ली है, अब हम इसको बेलेंगे, पूरी बना लेंगे इसकी। और इसमें ये दाल भर देंगे। दाल भर के इसका मुँह ऐसे बंद कर देंगे अच्छे से, और फिर उबलते हुए पानी में इसको डाल देंगे। ये फारा बन के तैयार हो गया है, इसको जो है उबलते हुए पानी में अब डाल देंगे। पानी उबल रहा है, अब ये इसमें फारा को डाल देंगे और ये जो ऊपर आ गया है उसको निकाल लेंगे। ऊपर ये जो आ गया है इसका मतलब ये हो गया है, पक गया है। इसको थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। तैयार हो गया है, इसको हमने छोटे छोटे पीस में काट दिया है। गर्म हो गई है, उसमें रिफाइंड डाल के राई डाल दिए हैं। जब राई चटकने लगे तो सारा फारा जो है उसमें डाल के हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, अब जो है सारा फारा इसमें डाल के हम इसको फ्राई कर दिए हैं। आप इसको बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं रसदार सब्जी के साथ। आलू टमाटर की रसदार सब्जी या आलू बैगन टमाटर की किसी भी रसदार सब्जी के साथ बना के खा सकते हैं। ये लीजिए, फारा बन के तैयार हो गया है और इसको रसदार सब्जी के साथ आप खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और स्वस्थ रहिए।